व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग के और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ रैंक सिमुलेटर गेम इन माय लोअर लैपटॉप जो i3 8th जनरेशन और इंटेल i3 6600 बेसिक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ रैंक सिमुलेटर गेम और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना पीस मिलता है। और गाइस, अगर आपको भी मेरा जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको कितना पीस मिलेगा इन दिस गेम, इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आपको थोड़ा मुझे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पीस मिल सकता है इन रिस्पेक्ट इन दिस गेम। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखते हैं, चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना इस टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है ग्राफिक सेटिंग्स की, कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पे मैं इस गेम को चला रहा हूँ। तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है वो 1280x720 भी है, और मैंने रेजोल्यूशन स्केलिंग को 75 रखा है, और जो भी सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो तो जो मेन सेटिंग्स है सब कुछ मैंने लो सेटिंग्स पे करके रखा है। तो सिंपली 720p लो सेटिंग्स में मैं इस गेम को टेस्ट करूँगा और दिखाऊंगा कि आप लोगों को मुझे कितना पैसा मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैं सीधा आ गया हूँ गेम पे। और गाइस, अनफॉर्चुनेटली आप फिर से बताना पड़ा है जो फ्रैप्स है, जो FPS मीटर है वो इसमें काम नहीं कर रहा है इस गेम पे। तो गाइज, आप लोग मुझे एक अच्छा सा FPS मीटर सजेस्ट करो जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, मतलब ठीक ठाक तरीके से, मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस है उस पे FPS मतलब जब टेस्ट करेंगे उसको दिखाने का, तो ऐसे एक सजेस्ट करो। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैं सीधा गेम पे आ गया हूँ, और गेम अभी मतलब ऑब्वियसली मुझे गेस करना पड़ेगा FPS, मुझे आई थिंक मुझे लगता है FPS बिलो 20 है, क्योंकि कभी कभार FPS ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा लैग भी देखने के लिए मिल रहा है FPS मतलब जो है गेम पे, आप लोग देख सकते हो। और मुझे लगता है इसकी जो FPS है वो बिलो 20 FPS गाइज देखने के लिए मिल रहा है इस गेम पे। तो गाइज, आई नो कि मुझे ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा डिटेल ग्राफिक और बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टोरी लाइन का कोई गेम नहीं है, बट फिर भी अगर इसका अगर ग्राफिक सेटिंग आप लोग हाई कर देखोगे, एपिक पे कर दोगे फुल रेजोल्यूशन के साथ, तो लिटरली अच्छा दिखता है ये गेम। तो इसके थ्रू और गेम काफ़ी ज़्यादा नया है, तो इसके लिए जो है FPS कम देखने के लिए मिला है। बेसिकली थोड़ा सा अनरियल इंजन 4 का बनाया हुआ गेम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक गेम है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है क्राफ्ट वगैरह मतलब बिल्ड वगैरह करना पड़ता है। तो ये सिंपली आप लोग चाहो तो ऑब्वियसली इस गेम को ट्राई कर सकते हो गाइस, एक्चुअली अच्छा गेम है। और गेम ऐसा नहीं कि बिलो 20 FPS है इसका मतलब गेम जो है प्लेएबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए इसके ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऑप्टिमाइजेशन इज मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि ऑप्टिमाइजेशन ख़राब है या फिर ऐसा कुछ है, जो ऑप्टिमाइजेशन है ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नया गेम और जो ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके थ्रू, मतलब ग्राफिक आप लोग हाई कर दोगे तो अच्छा दिखता है उसके थ्रू, मैं इसके ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बट अगेन जो है ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर होना चाहिए था मेरे तरफ से, क्योंकि गेम में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह कुछ तो नहीं है। मैं बात करूँ इस गेम के बारे में, तो एक्चुअली ये जो गेम है मतलब ऐसा टाइप गेम है जिसमें आपको जो है मतलब एग्रीकल्चर वगैरह करना पड़ता है, आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है बिल्ड करना पड़ता है, और भी बहुत ही जो है चीज़ है, मतलब अगर आपको ऐसा टाइप गेम खेलना पसंद है तो आपको लिटरली पसंद आएगा ये गेम, मतलब आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास एक अच्छा खासा PC है मतलब अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड के साथ, तो मैं आप लोगों को इसको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप हाई ग्राफिक पे देकर खेलो, जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में। अगर आपका मेरे जैसा सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने मिलेगा इन योर स्पेक्स, एंड अगर आपको थोड़ा उनसे बेटर PC है ऑब्वियसली आपको बेटर मिलेगा। बट ये जो गेम है एक्चुअली ये इंटेल HD अगर आपके पास ग्राफिक है तो भी आप लोग इस मतलब इंटेल HD ग्राफिक में भी जो है गेम को खेल सकते हो, आपको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम गाइस देखने के लिए नहीं मिलेगा इंटेल HD पे। इवन 4GB रैम पे भी मुझे लगता है कि ये गेम हो सकता है चल जाएगा, बट गाइस 4GB रैम पे मतलब आपको उतना अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली जो है गाइस मुझे 8GB रैम पे कभी कभार लैग या एंड FPS ड्रॉप थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिला है। तो आपको 4GB रैम अगर आपके पास है 4G रैम पे चल तो जाएगा, बट आपको उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको FPS ड्रॉप्स आ सकते हैं। तो सिंपली मैं कहूँगा 8GB रैम को मैं रिकमेंड करता हूँ, और इंटेल i3 6600 मेरे जैसा है तो आप लोग चला लो गेम को। एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था इस गेम का काफ़ी दिनों से, तो इसके लिए इसके थ्रू मैं इस गेम को टेस्ट करूँ, और बेसिकली मुझे अच्छा ही लगा है। मतलब आपको अगर बिल्ड वगैरह करना, हार्वेस्ट करना, एग्रीकल्चर मतलब ऐसे टाइप गेम्स खेलना आपको पसंद है तो मैं ऑब्वियसली आपको रिकमेंड करता हूँ, लिटरली गाइस आपको पसंद आ जाएगी इस गेम। तो गाइस गेटिंग मोर FPS आप लोग जो है रेजोल्यूशन स्केल को कम कर सकते हो, मैंने 75 मैंने रेजोल्यूशन स्केल लगा, आप 50 कर सकते हो, उससे नीचे भी कर सकते हो, बट आपको जो है ग्राफिक्स उतना अच्छा खासा नहीं दिखेगा, मतलब आपको ग्राफिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको FPS बढ़ाना है तो। सिंपली मैं कहूँगा अगर आप लोग चाहो तो ऑब्वियसली इस गेम को ट्राई कर सकते हो, दिस गेम इज प्लेबल ऑन इंटेल i3 6600। थोड़ा थोड़ा कभी कभार FPS ड्रॉप्स का प्रॉब्लम है, बट उतना ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो बहुत ही ज़्यादा मेजर मतलब बहुत ही छोटा छोटा इशू है, उतना ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो आज के लिए इतने थैंक, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलता है अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।